Ezra ki pustak adhyay 10. Ezra ki pustak adhyay 10. जब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के बालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठा हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यही एल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम की संतान में का था, एज्रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके लड़के बालों को दूर करे और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए यह बांधकर इस काम में लग जा। तब एज्रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इसराइलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एल्याशिब के पुत्र योहाना की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाए न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हो के विश्वासघात के कारण शोक करता था। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों से यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए तो उसकी समस्त धन संपत्ति सत्यानाश की जाएगी और वह आप बंधुआई आए हो की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बन्यामिन के सब पुरुष 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह तो 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उसके विषय के कारण और झड़ी के मारे कांपे हुए बैठे रहे। तब एज्रा याजक खड़ा होकर उनके कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया है, तो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से न्यारे हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत है और झड़ी का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाए और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हम पर से दूर न हो यह काम निपट न जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हो वह नियत समयों पर आया करे और उनके संग एक एक नगर के पुरनिय और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिक्वा के पुत्र यहजियाह खड़े हुए और मशुल्लाम और शबत्तै लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एज्रा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की बात निपटा दी जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था, और याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था, अर्थात योसादाक के पुत्र
यीशु के पुत्र और उसके भाई मासियाह, अलियाजर, यारीब और गदल्याह, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेंढा बलि किया, और इम्मेर के संतान में से हनानी और जबद्याह और हारिम के संतान में से मासेयाह, यलियाह, शमायाह, यहीएल और उजियाह और पशहूर के संतान में से एल्योएन, मासेयाह, इश्माएल, नथनेल, योजाबाद और एलासा। फिर लेवियों में से योजाबाद, शिमी, केलायाह जो कलिता कहलाता है, पतह्याह, यहूदा और एलियाजर, और गवयों में से अल्याशीब और द्वारपालों में से शल्लूम, तेलेम और उरी, और इसराइल में से परोश की संतान में से रम्याह, हिजियाह, मलकियाह, मिर्यामिन, एलियाजर, मल्लियाह और बनायाह, और एलाम की संतान में से मत्तन्याह, जकरियाह, यहीएल, अब्दी, अरेमोत और एलियाह, और जत्तू की संतान में से एल्योएने, एल्याशिब, मत्तहन्याह, यरेमोत, जाबाद और अजीजा, और बैबे की संतान में से यहोहानान, हनन्याह, जब्बै और अतलै, और बानी की संतान में से मशुल्लाम, मल्लुक, अदायाह, याशुब, शाल और यरामोत, और पहत मुआब की संतान में से अदना, कलाल, बनायाह, मासियाह, मत्तन्याह, बसलेल, बिन्नुई और मनश्शे, और हारिम की संतान में से अलियाजर, इशियाह, मलकियाह, शमायाह, शिमोन, बिन्यामिन, मल्लुक और शमरियाह, और हाशुम की संतान में से मत्तने, मत्तत्ता, शमरियाह, जाबाद, एलीपेलेत, यरेम, मसश्शे, और शिमी और बानी की संतान में से मादे, अमराम, उएल, बनायाह, बेदियाह, कलुही, बन्याह, मरेमुत, एल्याशिब, मत्तन्याह, मत्तने, यासु, बानी, बिन्नुई, शिमी, शेलेम्याह, नातान, अदायाह, मकंदबै, शामशै, शारे, अजरेल, शेलेम्माह, शेमरियाह, शल्लुम, अमरियाह और योसेफ, और नबो के संतान में से ईएल, मत्तित्याह, जाबाद, जबीना, इद्दो, योएल और बनायाह। इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी, और कितनों की स्त्रियों के लड़के भी उत्पन्न हुए थे।